नाइस नाइस वेरी नाइस। बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, उस पे लिखा क्या है? बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, उस पे क्या हो गया ब्रो? यार तो पेट्रोल ही खत्म हो गया यार। अरे बहुत लंबी लाइन है भाई, एंड ये फॉर्म मिला हमको, इसको भरना है। पता नहीं, दूर हट, दूर दूर हट। अभी एक पार्टी होने वाली है हमारे घर पे। किट्टू ना 13 महीने की हो गई है। सो दादा किड्डू की बहुत शौकीन है, आलू तो खानी पड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी मोहित भाई जा रहे हैं कोटा पे राशन लेने के लिए, तो हमने कहा हम भी चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या लेते हो। हम भी कभी गए नहीं, मतलब जाते होते हैं नहीं, हम भी हमें पता नहीं, तो हम भी आज पहली बार जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। कहाँ पे है कोटा तुम्हारा? भोला वाली गली में। भोला वाली गली, अच्छा वो समझ गया। ये भाई ट्रैक्टर भी सा आ रहा है, ये कैसे ट्रैक्टर है भाई? नाइस नाइस वेरी नाइस। बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, उस पर लिखा क्या है? बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, उस पर लिखा है। अरे गजब, वाह रे वाह, कैसे कैसे क्रिएटिव लोग हैं हमारे यहाँ तो। भाई ऑटो तो कर लो, पैदल चलोगे क्या? यहाँ तक चलो पैदल पहले। कहाँ चलो यार, यू आर वेरी कंजूस ब्रो। पता नहीं इधर कहाँ गया बाइक लेने किसी की, और हमको बोली पकड़ा गया, बोला कि अभी रुको बाइक लेके आते हैं। और जबकि पैसे मिले इसको किराए के लिए, फिर भी उसको खर्च नहीं कर रहा है, गधा कहीं का, बचा रहा है पैसे। देख रहे हो तुम लोग, मतलब कितना होशियार हो गया ये। क्या हुआ ब्रो? क्या हो गया ब्रो? यार तो पेट्रोल ही खत्म हो गया यार। अरे हाथ धो गई यार। भैया भैया रोको, चलो हमें ले जाओ। भोला स्वीट्स, भोला आखिरी गली के सामने। कहाँ पे? सिंह मेडिकल स्टोर। चलो भाई, ये भैंसिया कहाँ से आ गई सर्कुलर रोड पे? देखो कितनी सारी भैंसिया आ गई, ट्रैफिक लगा रही हैं यहाँ पे। ये देखो बस भैया, यहीं रोक देना साइड में। तो भाई ये आ गया हमारा कोटा, इसमें हमारे मोहल्ले के दो चार लोग खड़े हुए हैं अभी यहाँ पे, कोटा ले रहे हैं, मतलब राशन ले रहे हैं। तो अभी बारी आ गई है मोहित भाई की, और अब ये लगाएंगे अंगूठा इसमें। ये देखो भाई, लगा दिया भाई। अब देखो मोहित का नाम उसमें आ जाएगा, एंड अंगूठा लग जाएगा, फिर इनको राशन मिल जाएगा, उसके पैसे लिए जाएंगे भाई। फ्री में नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो भाई इनको राशन तो मिल गया, अब तो ऑटो करना पड़ेगा पक्का पक्का, क्योंकि ऐसे ले जा नहीं पाएंगे। ये आ गया, इसे पूछ लेगा, इसे पूछो चलोगे? कम ऑन, वेरी वेरी मेहनती बॉय मोहित। तो ये जो चचा हैं आगरा वाले, फिर से आगरा वापस जा रहे हैं, आगरा में रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा आगरा वाले ब्लॉग में, तो वापस जा रहे हैं आगरा। ये तो आज किट्टू हो गई है 1 साल 1 महीने की, पूरी पूरी मतलब 13 महीने की हो गई है फिलहाल ये, और चलने तो लगी हैं, गिरी नहीं है को बार, जैसे चलने से स्टार्ट किया है एक बार भी ये गिरी नहीं है। एंड वैसे क्या बच्चे होते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, बट इसने जब से स्टार्ट किया तब से बस स्टार्ट चलने ही लगी है, गिरी गिरी नहीं को। ये एक यूनिक चीज़ थी इसके अंदर। अभी देखो कार में बैठी, बहुत खुश है कार के अंदर बैठ के। इधर मेरा व्लॉग चल रहा है, मूवी देख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, हमको ना एक रिजर्वेशन कराना है दिल्ली जाने के लिए। अब दिल्ली हम नहीं जाएंगे, कोई और जाएगा, तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस रहती है इसकी। एंड पहली बार को रिजर्वेशन करवा रहे हैं इस तरीके से, इससे पहले हमने कभी करवाया भी नहीं, तो देखते हैं क्या क्या होता है एंड कैसे क्या प्रोसेस होती है, सब आपको दिखाते हैं, बताते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अभी जा रहे हैं स्टेशन, पैदल ही निकल लिया है, एंड अभी टाइम हो रहा है पूरे पूरे शाम के 4। वैसे आप शूट कर रहे हैं वीडियो को, मतलब सुबह जो आपने क्लिप देखी थी इससे पहले वाली सुबह की थी, वही 11-12 बजे तरफ की। तो हम यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो, सीधा स्टेशन पहुँचते हैं। वैसे इस टाइम तो भीड़ होनी नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये आ गए भाई हमारी रेलवे स्टेशन हरदोई की, चलो देखते हैं। भीड़ तो है भाई यहाँ, मतलब भर की। अभी पता नहीं कौन सी लाइन में है, टिकट वाली लाइन में है, रिजर्वेशन वाली लाइन में, देखते हैं गाइस। बहुत लंबी लाइन है भाई, एंड ये फॉर्म मिला हमको, इसको भरना है, पता नहीं क्या क्या भरना पड़ेगा इसमें। फाइनली भाई काफ़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद टिकट तो कट गया ये, बट काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, बहुत लंबी भीड़ थी। और ये है टिकट भाई, और इसमें वेटिंग भी है 140 की, तो कन्फर्म तो है नहीं क्योंकि आज ही जाना था, तो इस चक्कर में वेटिंग पे ही ले लिया है, एंड कहीं भी जगह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और भाई यहाँ लाइन बढ़ती जा रही है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही। वैसे टाइमिंग तो है 8 बजे तक होता है यहाँ पर रिजर्वेशन, और संडे को कुछ कम टाइमिंग है वैसे। सबसे लंबी लाइन यहाँ पर रिजर्वेशन की है, टिकट की वैसे छोटी है। और ऐसा कुछ भरना भी नहीं होता है उसके फॉर्म में रिजर्वेशन के, बस नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, ट्रेन नंबर वगैरह, जो भी ट्रेन से तुम जा रहे हो, कब जा रहे हो, बस ये नॉर्मल चीज़ें भरनी होती हैं आपको। एंड आप इसके मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते लोग, जैसे कि आधार कार्ड, फोटोकॉपी वगैरह हो गई, तो ये भी नहीं मांगते हैं, बस आराम से ये सब भर के दे दो और पैसे दे दो, हो जाएगा रिजर्वेशन। फिलहाल ये दिल्ली का है, और ये सुपर फास्ट ट्रेन है जो कि दिल्ली में लखनऊ जो होती है, एंड उसका किराया है हरदोई से दिल्ली का 275 रुपीज़ स्लीपर का है ये।
तो इतना किराया पड़ता है यहाँ पे अगर आप हरदोई से दिल्ली आते हैं तो। चलो भाई सीधा घर पहुँचते हैं। जय खाटू श्याम जी महाराज की जय। ए भाई भाई क्या कर रहे हो भाई, अभी तुम ठोंक देते ऑटो में, अजीब लड़के हैं यार। बस भैया यहीं आके उतार देना खंबे के पास। तो फाइनली भाई अभी आ गए घर पे एंड हमको पता नहीं क्यों फीवर फीवर सा लग रहा है यार, मतलब बुखार बुखार सा ऐसा लग रहा है, शरीर पूरा काम नहीं कर रहा है। तो भाई ये मोहल्ले के बच्चे ना पटाखे वगैरह दगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एरोप्लेन है यहाँ पे बोल रहे हैं। कहाँ जाएगा ये वैसे एरोप्लेन, देखते हैं क्या होता है। अरे फुस हो गया तुम्हारा एरोप्लेन यार। देखो भाई ये अभी भी इन लोगों की दिवाली चल रही है यहाँ पे और पटाखे दगा रहे हैं, छोटे जो मिर्ची नहीं होते वाले, पता नहीं कहाँ पा गए हैं लोग। देखो देखो हाथ से फेंक रहा, हाथ से फेंक रहा, देखो हाथ से वो, देखो देखो नौटंकी कर रहा, देखो। अरे बुझा दिया, अब इनकी देख लो। ओ भाई ये बहुत तेज दगते हैं यार, देखना अभी देखना। ए भड़ाम, ओ एक और है, एक और। बे दूर हट, दूर दूर हट। ये भी आ गए देखने, इनको भी देखना था। हैं बहुत चिल्लाने लगी है, आ जाओ आ जाओ। ओहो दग गया। तो भाई हम तो भी चल रहे हैं मार्केट और मोहित साहब पता कहाँ है नारायण धाम कहीं पे है बिलग्राम चुंगी साइड में, तो वहाँ पे वो डीजे वगैरह का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसलिए आज आपको दिखे नहीं है दोपहर से हमारे ब्लॉग में। हमसे बोल रहा था आ जाओ यहाँ पे, बट हमने कहा यार हमें पता ही नहीं कहाँ पे है नारायण धाम, तो हम कैसे आ जाएं। तो अभी हम जरा सा मार्केट जा रहे हैं, बस एक छोटू सा काम था वहाँ पे, धनिया लेनी बस जरा सी हमको, तो इतना काम बचा था बस आज। और वैसे हम मार्केट गए नहीं, बस रिजर्वेशन कराने गए थे, उसके बाद से तो आप जा रहे हैं। भैया धनिया कैसी थी, दे दो। छोटी मोटी सब्जी हमारे नई बस्ती में मिल जाया करते यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं को जाना पड़ता है तो यहाँ मिल जाती है आराम। बस क्यों गए, तो हम जैसे घर पहुँचे हमको ये मिल गए रास्ते में, फिर हमसे बोल रहे हैं कि हमको घुमाओ, मतलब ये इतनी शौकीन हो गई है घूमने की, कार हो जाए बाइक हो देख ले बस एकदम से, बस को घूमना है चिल्लाना है, बस चिल्लाने लगती है बराबर। पैसे हैं लाओ, इधर लाओ, लाओ ना 5 रुपये लेके आए। तो गाइस अभी घर तो हम आ गए थे, अब हमको फिर से बाजार जाना है। पता है किस लिए जाना है, क्योंकि ना अभी एक पार्टी होने वाली है हमारे घर पे छोटी सी, वो इसलिए होने वाली है क्योंकि ऐसी ना जैसी बोल रहे हैं किट्टू ना 13 महीने की हो गई है, सब दादा बोल रहे हैं कि जा छोटी सी पार्टी करते हैं आज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आ जाके बढ़िया सा, तो हम कहे ठीक है फिर जा रहे हैं। तो ये रे भाई बाग की चाबी, चलते हैं। ये लड़की यहाँ सो रही पड़ी, वो भी पंखा चला के मैंने बंद कर दिया, बहुत ही चल रहा था। उठो पार्टी होने वाली, उठो चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो भी ठंड में। वाह तो हम आ गए अभी गाइस मार्केट में, एंड यहाँ कोल्ड ड्रिंक सामने मिल जाएगी ना, आलू फ्राई वहाँ सामने मिल जाएंगे। चलो 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए भाई, ठंड में भी 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, हमें लगा कुछ कम हो गई होगी 95 की 90 की, बट पूरे पूरे 100। वाह ये भाई वाले, ये वाले आलू फ्राई जो होते हैं बहुत मस्त लगते हैं। तो भाई ये हो गए पैक एंड सामने खड़ी है बाइक, निकलते हैं भागते हैं जल्दी से। तो फाइनली भी घर आ गए हैं सब कुछ लेके, और ये देखो यहाँ पे ऐसे हमने निकाल भी दिया यहाँ प्रॉपरली, किड्डू की वो शौकीन है, आलू तो खाने पाएगी कड़वे होंगे मेरे ख्याल से, तो निकालते हैं। चाहिए चाहिए, ठंडी है मुँह कैसा बना रहे लो। लो। भाई हम तो कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं पाए, वो दांत में बहुत तेज लग रही थी ठंडी ठंडी सी, फिर हमने नहीं पी। अब पता नहीं कब ठीक होगा यार, आफत में पड़ गए हैं यार। वैसे बिल्कुल ठीक रहता है जब कुछ ठंडा ठंडा जैसे पानी, नॉर्मल पानी तक पी लो ना, अब भी बहुत लगता जा, ये दिक्कत है भाई मेरे में। तो भाई यही था आज का ब्लॉग, एंड आज किट्टू हो गए 13 महीने की पूरी, तो ये छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम था इसे बस कर लिया गया मौज मस्ती में। तो बस अब टाइम आ गया इस वाले ब्लॉग कहीं पे एंड करने का, आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कहाँ जाना है कहाँ जाना है, चलो अंदर है। You don't like it all.